हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट तरीका। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के रिलेटेड के अपडेट निकल के आ रही है, साथ ही कुछ क्रिप्टो एनालिस्ट का मानना है कि बिटकॉइन कुछ ही वीक में $90,000 के ऊपर जाने वाला है, यानी बिटकॉइन के प्राइस में बड़ी रैली देखने को मिलने वाली है। और अगर इतनी बड़ी रैली बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिलती है तो शिबा इनू कॉइन और दूसरे अल्टकॉइन के प्राइस में हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाला है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। दोस्तों, सबसे पहले हम शिबा इनू कॉइन के करंट प्राइस पर नजर डालें तो अभी शिबा इनू कॉइन का करंट प्राइस है 0.003822। अगर लास्ट 24 आवर की बात करें तो अराउंड 2% इसके जो मार्केट है वो यहाँ पर डाउन जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर लास्ट 7 डे का आप चार्ट देखोगे तो दोस्तों, आप यहाँ पर इसका लास्ट 7 डे का चार्ट देख सकते हो। इसका जो प्राइस है 0.0037 से लगाकर 0.0044 की रेंज में कंटिन्यू फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आ रहा है। ना ज़्यादा बड़ा दोस्तों यहाँ पर हमें डीप देखने को मिला और ना ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर पंप देखने को मिला है। कंटिन्यू दोस्तों इसका एक ही रेंज में प्राइस फ्लक्चुएट होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर राइट टाइम है अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अभी राइट टाइम है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इसके जो प्राइस है दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा डीप में भी नहीं जा रहा है। और अभी अगर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि काफ़ी बड़े बड़े वेल अभी इसी टाइम पर शिबा इनू कॉइन में एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर ये आर्टिकल भी देख सकते हो, तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े वेल लगभग 20 बिलियन यहाँ पर टोकन बाय कर रहे हैं, यानी काफ़ी बड़े बड़े वेल दोस्तों इसी टाइम पर शिबा इनू कॉइन में एंट्री ले रहे हैं। तो ये राइट टाइम है दोस्तों अभी शिबा इनू कॉइन में एंट्री लेने का, क्योंकि यहाँ से इसके प्राइस के ज़्यादा डीप जाने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। और ऊपर जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, वैसे ही जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा वैसे यहाँ पर बड़ा पंप देखने को मिलने वाला है। और अगर दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट पर एक बार पूरा नजर डाले तो क्रिप्टो मार्केट का भी दोस्तों भी यहाँ पर शिबा इनू कॉइन जैसा ही हाल बना हुआ है। 0.23% यहाँ पर लास्ट डे से इंक्रीज हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और अगर आप बिटकॉइन को देखोगे, इथेरियम को देखोगे और जितने भी अल्टकॉइन, अगर यहाँ पर सोलेना, कार्डेनो, XRP, डोजकॉइन, जितने भी बड़े कॉइन को देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी उनमें पंप देखने को नहीं मिल रहा है। जिस रेंज में इनका जो प्राइस दोस्तों कल बना हुआ था उसी रेंज में अभी भी देखने को मिल रहा है। तो अभी दोस्तों मार्केट में यहाँ पर बिल्कुल भी बड़ा कोई पंप देखने को नहीं मिल रहा है। किसी भी बड़े कॉइन में यहाँ पर पंप देखने को नहीं मिल रहा है। अभी मार्केट थोड़ा सा दोस्तों स्टेबल हो चुका है, अभी एक जगह रुका हुआ है। जैसे ही यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस में हमें पंप देखने को मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन, अगर मैं आपको यहाँ पर एक आर्टिकल दिखाऊं तो बिटकॉइन के दोस्तों प्राइस में एक बड़ा पंप जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पर कॉइन टेलीग्राफ, जो कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी जेन्युइन वेबसाइट है, इनका आर्टिकल देखोगे, बिटकॉइन ड्यू टू हिट 90K इन कमिंग वीक। तो दोस्तों यहाँ पर कमिंग वीक में बिटकॉइन 90K के ऊपर जाने वाला है। यहाँ पर ये इसके बारे में यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है, क्योंकि बिटकॉइन के अगर दोस्तों एक साइकिल चल रहा है, 2013 और 2017 का जो साइकिल है वह 2021 में फिर से होने वाला है। 2013 में भी बिटकॉइन का जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ था इसी टाइम पर, इसी मंथ की अगर बात करें। और 2017 में भी दोस्तों इसी टाइम पर बिटकॉइन का प्राइस है जो काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ था। 2017 में दोस्तों जो बिटकॉइन का प्राइस था वो $4,000 था, तो $4,000 से $20,000 तक पहुँच गया था, तो काफी बड़ा जो पंप था इसी मंथ में देखने को मिला था। तो वही साइकिल दोस्तों इसी टाइम पर बताया जा रहा है कि फिर से नवंबर आ चुका है और जो 4 ईयर का जो साइकिल है वो फिर से एक बार देखने को मिलेगा और बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई को यहाँ पर क्रॉस करने वाला है। तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से भी यहाँ पर ज्यादा जाने को मिल सकता है, 85,000 से $90,000 तक ये बताया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एक पैराबोलिक ट्रेंड भी बन रहा है बिटकॉइन के लिए, तो पैराबोलिक ट्रेंड की वजह से भी दोस्तों बिटकॉइन की जो प्राइस है वो काफी ऊपर जाने का यहाँ पर काफी ज्यादा चांस बन रहा है। साथ ही दोस्तों शिबा इनू कॉइन के बारे में बात करें तो शिबा इनू कॉइन के प्राइस में भी दोस्तों यहाँ पर बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पर FX स्ट्रीट का आर्टिकल देखोगे, जो कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी जेन्युइन वेबसाइट है, तो इनका दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, शिबा इनू टू इट अनादर जीरो अज इट टारगेट ऑल न्यू ऑल टाइम हाई। तो दोस्तों ये बता रहा है कि शिबा इनू कॉइन का जो यहाँ पर एक और जीरो को जल्दी ईट करने वाला है और अपने यहाँ पर न्यू ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने वाला है। आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर दोस्तों इनके जो यहाँ पर FX स्ट्रीट, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, इनके जितने भी यहाँ पर क्रिप्टो एनालिटिक्स है, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर ऑन चेन एनालिसिस किया और यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस किया, उसी के बाद दोस्तों इन्होंने बताया। इन्होंने एक वीडियो भी अपनी वेबसाइट पर डाला है, तो आप ये वाला वीडियो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मार्केट में काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, तो अभी दोस्तों मैं अगर यहाँ पर शिबा इनू कॉइन की बात नहीं करूँ तो दूसरे अल्ट कॉइन में भी आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि मार्केट में दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा नीचे जाने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। तो अगर शिबा इनू कॉइन को भी छोड़े और जितने भी अल्ट कॉइन है उनमें एंट्री लेने का दोस्तों अभी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राइट टाइम अभी बना हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ
पर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो शिबा इनू कॉइन के बारे में यहाँ पर केयू कॉइन जो कि यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट दोस्तों क्रिप्टो एक्सचेंज है, अगर यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो केयू कॉइन के दोस्तों सीईओ ने बताया है कि शिबा इनू कॉइन में काफ़ी इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथ ही अगर दोस्तों यहाँ पर होल्डिंग की बात करें, उन्होंने बताया कि क्यों वो यहाँ पर शिबा इनू कॉइन, बिटकॉइन और डोज कॉइन को दोस्तों लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखने वाले हैं। उनका कहने का है दोस्तों कि जितने भी यहाँ पर नए इन्वेस्टर आते हैं वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो शिबा इनू कॉइन और डोज कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनके पास दोस्तों एक बिटकॉइन खरीद नहीं सकते, लेकिन दोस्तों कुछ ही कम प्राइस में यहाँ पर मिलियंस में शिबा इनू कॉइन और डोज कॉइन यहाँ पर बाय कर लेते हैं। तो इस वजह से दोस्तों इसका जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और आगे इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा पंप होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर कुछ और अपडेट की बात करें शिबा इनू कॉइन के रिलेटेड, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों एक काफ़ी बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर शिबा इनू कॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट किया है। और कंटिन्यू अगर आप शिबा इनू कॉइन की बर्निंग को देखोगे तो कंटिन्यू शिबा इनू कॉइन की बर्निंग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती हुई जा रही है और लास्ट 24 आवर में 90 मिलियन के समथिंग दोस्तों शिबा इनू कॉइन को बर्न किया जा चुका है। तो अभी दोस्तों इसके जो टोटल सप्लाई है 1 क्वाट्रिलियन, उसमें से 41% कॉइन को बर्न किया जा चुका है, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में दोस्तों यहाँ पर बर्निंग चल रही है। साथ ही दोस्तों जिसकी जो बर्निंग पार्टी चल रही है वो यहाँ पर 7 डे तक चलने वाली है, तो 15 नवंबर को काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बर्निंग होने वाली है। साथ ही दोस्तों स्टीवन कूपर ने ट्वीट किया है कि उन्होंने एक और प्लेलिस्ट को यहाँ पर अपडेट कर दिया है उनके टिकटॉक, यूट्यूब और ट्विच चैनल पर। अगर आप वहाँ पर उस प्लेलिस्ट को प्ले करते हो तो उसका जो 20% रेवेन्यू है वो यहाँ पर शिबा के बर्निंग इसमें जाने वाला है, तो उसकी भी दोस्तों शिबा इनू कॉइन में ये बर्निंग करने वाले हैं, जो उसका 20% जो यहाँ पर पार्ट रहेगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और आप यहाँ पर देख सकते हो शिबा इनू कॉइन से एक व्यक्ति मिलियनेयर बना है, एक मिडिल क्लास यहाँ पर पुअर हम कह सकते हैं जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, वो शिबा इनू कॉइन से यहाँ पर मिलियनेयर बन चुका है। तो उसकी क्या स्टोरी है दोस्तों इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वो सुपरमार्केट में एम्प्लॉय था, एक छोटा सा एम्प्लॉय दोस्तों मिलियनेयर बन चुका है, इसकी स्टोरी को भी दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो शिबा इनू कॉइन का यहाँ पर AMC रिकॉर्डिंग यहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है। AMC जो वर्ल्ड लार्जेस्ट थिएटर चेन है वो शिबा इनू कॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करने वाला है जल्दी। तो यहाँ पर ली जो है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ली यहाँ का इनका ट्विटर अकाउंट यहाँ पर वेरीफाइड है, ये काफ़ी बड़ी जर्नलिस्ट है अमेरिका की। तो इनके पास दोस्तों न्यूज़ आई है कि AMC यहाँ पर नेक्स्ट मंथ तक डोज कॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करने वाला है और शिबा इनू कॉइन के बारे में भी वो यहाँ पर बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 90 डेज़ का बता रहे हैं कि 90 डेज़ में डोज कॉइन और शिबा इनू कॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करने वाला है, क्योंकि डोज कॉइन का तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर चुका है लेकिन शिबा इनू कॉइन पर अभी वर्किंग चल रही है। साथ ही दोस्तों मैं नेक्स्ट अपडेट की अगर बात करें तो यहाँ पर फन फैक्ट आपको बताता हूँ कि इंडिया दोस्तों अगर हम क्रिप्टो इन्वेस्टर की बात करें तो इंडिया दोस्तों वर्ल्ड पर नंबर 1 पर आ चुका है। यहाँ पर लेटेस्ट डाटा जो रिवील किया है उसमें 100 मिलियन पीपल ऐसे हैं इंडिया में जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर बताई गई है। और इसी पर दोस्तों यहाँ पर निर्मला सीतारमण और जो RBI के गवर्नर है उन्होंने यहाँ पर चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था, कल की अगर बात करूँ कल ये न्यूज़ निकल के आई थी, उन्होंने कहा था दोस्तों कि ये जो आंकड़ा दिया जा रहा है उसको काफ़ी हद तक क्लियर नहीं मानते हैं, क्योंकि जितने भी इंडिया में इन्वेस्टर है उनको दोस्तों अगर 70% इन्वेस्टर की बात करें तो ओनली 1000 रुपीज़ वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको दोस्तों डाटा यहाँ पर सही नहीं लगता है। और अभी दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टो बिल के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ निकल कर नहीं आई है और क्रिप्टो बिल जब भी आएगा यहाँ पर काफ़ी बड़ा दोस्तों मार्केट में हमें पंप देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।